हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग क्लास 11 का नॉमिनक्लेचर पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एमाइड। एमाइड जो है डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं हूं एस के पटेल और आप देख रहे हैं मेरा लवली चैनल इम्प्रेशन ट्यूटोरियल। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहूं। आपका एक लाइक मेरा हौसला बढ़ाता है। चलिए आइए, एसिड एमाइड। अब देखते हैं हम लोग, ये जो है फंक्शनल ग्रुप जो है एसिड का, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यहां से ये क्या है, एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां से OH को रिप्लेस कर देते हैं और NH2 को जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? NH2 को जोड़ देते हैं। क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड ONH, इसी को कहते हैं एमाइड, ठीक है ना। यानी फंक्शनल ग्रुप इसका क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ये है इसका फंक्शनल ग्रुप है। अब जो है जनरल फार्मूला जो होगा इसका, सी एन एच टू एन प्लस वन सी ओ एन एच टू या आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ठीक है। चलिए अब जो है इसका कॉमन नेम डिपेंड्स ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो है क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है कॉमन नेम। तो कॉमन नेम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को यहां से एक एसिड को रिप्लेस कर देते हैं, एक एसिड को रिप्लेस कर देते हैं और एमाइड जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिल एमाइड। क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिल एमाइड। और आईयूपीएसी नाम जब लिखते हैं तो एल्केनोइक एसिड लिखते हैं, तो एल्केनोइक एसिड, यहां से एक एसिड को हटा देते हैं और इसमें भी एमाइड जोड़ देते हैं। क्या नाम हो जाएगा इसका, एल्केनामाइड। क्या हो जाएगा नाम, एल्केनामाइड। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग एक दो को। देखिए एच सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ये आपका एग्जांपल दिया हुआ। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम जो है अगर यहां पे एच होगा एन एच टू के जगह पे तो क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड से एक एसिड हटा के क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एमाइड। क्या बन जाएगा, फॉर्मिक से एक हटा करके यानी फॉर्माइड बन जाएगा, है ना, फॉर्माइड, है ना। और कार्बन एक है, इसमें मेथेनोइक एसिड होता है, तो मेथेनोइक एसिड से एक एसिड हटा के एमाइड जोड़ देंगे, मेथेनामाइड। क्या नाम हो गया, मेथेनामाइड। इसी तरह से अगर यह इसको जोड़ दे सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एस्टिक एसिड से बना है तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका क्या, एसिटामाइड, एसिटामाइड। और आईपीएसी नेम हो जाएगा क्या, इथेनामाइड,
ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। आ रहा है समझ में ना? तो इस तरह से एसिडेमाइड का नॉमिनक्लेचर करते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग चलते हैं सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है SO3H। क्या है? SO3H फंक्शनल ग्रुप इसका होता है SO3H ना। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? SO3H। सेकेंडरी सफिक्स जो होता है सल्फोनिक एसिड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सल्फोनिक एसिड। ठीक है, जनरल फार्मूला लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं? CnH2n+1 SO3H। IUPAC नेम लिखते हैं एल्केन सल्फोनी एसिड। एल्केन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग। हमारे पास दिया हुआ है CH3SO3H। क्या इसका नाम हो जाएगा? मेथेन सल्फोनी एसिड। क्या हो जाएगा? मेथेन सल्फोनी एसिड। मान लीजिए आपका ऐसा दिया हुआ है SO3H, तो क्या है? साइक्लोप्रोपाइल सल्फोनिक एसिड। साइक्लोप्रोपाइल सल्फोनिक एसिड ऐसा दिया हुआ है आप लोगों का। CH3CSO3H CH2CH2CH2CH3CH3 ऐसा दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब जो है क्या है? 5 पे मिथाइल है ना, का नाम लिख देंगे 5-methyl। उसके बाद हेक्सेन सल्फोनिक एसिड, 5-methyl हेक्सेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, चलिए अगर ऐसा रहे CH3SO3H CH2CH2CH3CH3CH ऐसा रहे तब क्या लिखेंगे? फिर वैसे ही लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 है ना, 5-5 डाइमिथाइल, सॉरी यहाँ पे 2 पे है ना, यहाँ पे गलती हो गया, हेक्सेन या 2-hexane सल्फोनिक एसिड लिख देंगे है ना, हेक्सेन सल्फोनिक एसिड लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या गलती हो गया? यहाँ पे गलती हो गया 5-methyl 2-hexane सल्फोनिक एसिड या हेक्सेन 2 सल्फोनिक एसिड लिख सकते हैं।
और क्या लिखेंगे, हाई मिथाइल हेक्सेन टू सल्फोनिक एसिड, ठीक है ऐसे लिखते हैं। इसको लिखेंगे हाइड्राइड मिथाइल हेक्सेन टू सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नाइट्रो कंपाउंड, चलिए देखिए नाइट्रो कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप जो होता है इसको NO2 होता है, जनरल फॉर्मूला होता है RNO2, IUPAC नेम लिखते हैं नाइट्रो अल्केन, क्या लिखते हैं नाइट्रो अल्केन, देखिए CH3NO2, इसको क्या लिखेंगे नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन कंपाउंड दिया हुआ है आपका CH3CH CH3NO2, क्या लिखेंगे 1 मिथाइल नाइट्रोइथेन, इसको लिखेंगे क्या साइक्लोप्रोपाइल नाइट्रो इसको लिखेंगे नाइट्रो साइक्लोप्रोपेन, नाइट्रो साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब आप लोग, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।